आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कहते हैं प्यार पागल होता है और प्यार को हासिल करने के लिए कोई भी किसी हद तक जा सकता है। एक ऐसा ही मामला कटनी जिले का सामने आया है, जहां अपने प्यार को हासिल करने के लिए एक युवक ने कोतवाली थाना प्रभारी के ऊपर बम फेंक कर जान से मारने की धमकी दे डाली और इसका वीडियो भी खुद बनाकर सोशल साइट पर वायरल कर दिया, जिसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी की शिकायत पर युवक के ऊपर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला कटनी जिले का है, जहां कटनी जिले के कोतवाली थाना प्रभारी अजय सिंह की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने की धारा के तहत कोतवाली थाने में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि सौरभ गुप्ता नाम का शख्स सोशल साइट में कोतवाली TI की गाड़ी के ऊपर बम फेंकने की धमकी देते नजर आ रहा है। आरोपी सौरभ गुप्ता वीडियो में कहते नजर आ रहा है कि उसकी प्रेमिका ने ऐसा करने को कहा है और वह प्रेमिका के लिए सब कर सकता है। आरोपी युवक कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है। का अगर मैं थाने में TI की गाड़ी बम फेंक दूंगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी, मैं सौती सेन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सौती ने कहा है कि अगर मैं थाने में TI की गाड़ी में बम फेंक दूंगा तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी। मैंने बोला सौती मैं जेल चले जाऊंगा, तो तू बोलती तू जेल जाने डरता है। मैंने नहीं नहीं सौती, अगर तू मुझसे प्यार करता है, सौती बोलती, तो बम फेंक के दिखा मैं तेरी शादी कर लूंगी। मैं सौती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ TI को और SP को कि मैं अब आने वाले कुछ दिनों में सौती ने जो मुझसे कहा है मैं अपने सौती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने उसे वादा किया है। तो मैं आने वाले कुछ दिनों में TI की गाड़ी बम फेंक दूंगा और बस ये वीडियो बना रहा हूँ और कुछ दिन बाद एक खबर आ जाएगी, सौती माई लव, सौती मेरी जान, मैं सौती के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आई लव माय सौती। सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली है। सौरभ गुप्ता ये बोल रहा है कि स्वाति सेन के कहने पर मैं TI की गाड़ी में बम फेंकूंगा। इसकी सूचना हमने वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और इसकी जांच कराएंगे, स्वाति सेन से बयान लेंगे क्या उसने कहा है। हालांकि स्वाति सेन ने पहले भी इसके खिलाफ एक छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था और वो इससे तरफा प्यार करता है, इसी के भय से वो अपना मकान छोड़ करके और दूसरी जगह किराए पर रहने लगी है। इस वीडियो की जांच कराएंगे, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी।